हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बोर्ड के पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत सारे बोर्ड के पेपर्स में भी आया हुआ है, सैंपल पेपर्स में भी आया हुआ है, और ये बहुत बुक्स में दे रखा है, बहुत सारी रेफरेंस बुक्स में दे रखा है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने ये भी नोटिस किया है कि बहुत जगह इसका एक एक सोल्यूशन चलता है, कॉमन सोल्यूशन, ठीक है। और उसमें कई बार बिना विदाउट मतलब हमें स्टार्टिंग कहीं से करनी पड़ती है, उसके बाद वो थोड़ा सॉल्व होता है, हमें बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में हर चीज़ आपको एक लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करूंगा, हर चीज़, ठीक है। तो उससे आपको क्या आसानी रहेगी और आप करते करते एकदम फ्लो में चलेंगे, आपका कोई सा भी इस टाइप का क्वेश्चन है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये एक यूनिक मेथड रहेगा आप लोगों के लिए, नया मेथड रहेगा थोड़ा, और अच्छा रहेगा, इजी रहेगा बहुत, आपको इसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी, इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो, क्वेश्चन से पहले एक बार पढ़ लेते हैं। इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू p, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा और cosec थीटा। हमें नॉर्मली क्वेश्चन में रखा था या तो sin थीटा की वैल्यू ढूंढे, cosec थीटा की वैल्यू ढूंढे, एक ही बात पड़ जाती है, बस sin थीटा की ढूंढ ले तो cosec थीटा की, तो उसका रेसिप्रोकल करके निकल जाती है, ठीक है। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू p। सबसे पहले हम इस पे जाएंगे। अब देखिए, अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से एकदम प्रूव करते हैं कि sec और tan की जगह हम इसकी वैल्यूज डाल देते हैं कि भाई 1 अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो और इक्वल्स टू p, तो उसमें क्या है, केवल हमारे sin और cos के टर्म्स में वैल्यू आएगी, ठीक है ना। और जो आप एक चीज नोटिस कीजिए, मैंने साइड में लिखी हुई है वो थियोरम्स आइडेंटिटीज, इनमें एक चीज क्या कॉमन है कि जो भी आपकी ये जो है ना साइन कॉस टेन सेक, इन सब में क्या है, स्क्वायर में है, ये सब कोई भी एक सिंगल टर्म में नहीं है, सब चीजें क्या है, स्क्वायर में है। तो इसलिए हम हमें क्या है, ये जो है ना, ये भी हम क्या स्क्वायर में ले आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम आइडेंटिटीज यूज करके इसको प्रूव करते जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको लिख देते हैं, सेक थीटा प्लस tan theta equals to p। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड को स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारा क्या आएगा, स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है ना। स्क्वायर कर देंगे, ये देखिए ये क्या है, sec theta plus tan theta है, तो हम इसको स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा, sec square theta plus tan square theta plus 2 sec theta into tan theta equals to पी स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आइडेंटिटी को यूज करना। अब या तो हम sec स्क्वायर थीटा की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, मतलब sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू, या फिर tan स्क्वायर थीटा की जगह हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों में हमारा आंसर वही आएगा, ठीक है। इसमें ये चीज, ये जो मेथड में यूज करो ना, मतलब मेरे तरीके से, उसमें बस यही चीज है, आप कुछ भी यूज कर लें, कहीं से कोई सी वैल्यू डाल दें, आपका आंसर वही निकल लेनी। तो बाकी उसमें क्या होता है कि आप कुछ भी डालेंगे तो आप कहीं ना कहीं बीच में अटक सकते हैं या कुछ हो सकता है ऐसा। मैं क्या करूंगा, पहले तो tan स्क्वायर थीटा की जगह डाल दूंगा, फिर sec स्क्वायर थीटा की जगह डाल के भी आपको दिखा दूंगा एक बार, क्योंकि इसमें डालते हैं तो थोड़ा सा आगे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो मेथड ईजी रहता है। तो पहले मैं tan स्क्वायर थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट करता हूँ, tan स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। तो अब मैं कैसे लिखूंगा, sec square theta plus x square theta minus 1 plus 2 sec theta into tan theta equals to p square, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस 1 को इधर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, माइनस वन को इधर जाऊंगा, तब क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस वन, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, टू सेक स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ, टू सेक स्क्वायर। और इधर क्या कर दूंगा, सेक को मैं कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा, टेन को साइन अपॉन कॉस लिख दूंगा, ठीक है ना। तो ये कैसे हो जाएगा, टू, अब सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टू इंटू वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब क्या हो जाएगा, टू इंटू 1 अपॉन कॉस इंटू, सॉरी थीटा लगाना भूल गया मैं, थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा,
इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस नहीं सॉरी प्लस वन, इधर माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। इतना वीडियो क्या आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो टू इंटू वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू इंटू वन अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इतना क्लियर। अब क्या हो जाएगा, टू अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब इधर क्या आ जाएगा हमारा, टू अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा कॉमन, तो टू अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया हमारा, बचा क्या है हमारा इधर वन प्लस साइन थीटा पी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब देखिए अब इधर आपको कैसे यूज करना है। मेरे ख्याल से आपको ये चीज तो क्लियर होगी कि कॉस स्क्वायर थीटा की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपने इस तरीके के प्रैक्टिस क्योंकि एनसीईआरटी में तो खास करके दे रखे हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आपकी प्रैक्टिस होगी। तो इधर ये हम ये वाली आइडेंटिटी डालेंगे, ठीक है ना, इसकी जगह हम क्या डाल सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह, तो टू अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब हम वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, वन प्लस साइन थीटा और वन प्लस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, तो टू अपॉन, अब आप मेरे को लगता है आपको थोड़ा बहुत क्लियर होता जा रहा होगा कैसे क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है। ये चीजें जो है ना ये बहुत कॉमन चीज है, ये बहुत कॉमन चीज है, बहुत जगह यूज होती है ये, तो आप बैठा के रख लीजिए ये कि इसकी जगह ये आता है, ठीक है ना, ये चीज कॉमन है, इसमें कुछ समझाने जैसा ऐसा कुछ है नहीं कॉम्प्लिकेशन। वन प्लस साइन थीटा वन प्लस वन माइनस आएगा, साइन थीटा इंटू वन प्लस क्या, आप देखिए कट हो जाएंगे ये, तो हमारे पास क्या बचा, टू अपॉन वन माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ये हो गया, और इसको अब मैं क्या है इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो वन माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू टू अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा को इधर सब्स्टिट्यूट देता हूँ, इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो वन माइनस ऐसे लिख देते हैं चलो कि साइन थीटा इक्वल्स टू वन माइनस टू अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। तो अब हम साइन थीटा की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये पी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। अब ये क्या हो गया, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन, ये हमारी वैल्यू निकल गई किसकी, साइन थीटा की। और वैसे ही कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो गई, इसका रेसिप्रोकल पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सॉल्व कर दिया। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा, यूनिक था या थोड़ा, ये मैंने तो अभी तक कहीं नहीं देखा इस सॉल्यूशन को किसी भी बुक में, सब जगह एक ही एक सॉल्यूशन मैंने तो देखा, ये मैंने अपने आप से एक डेवलप किया है मेथड, और आप बताना मुझे कमेंट करके कि कैसा लगा। और मैंने आपसे एक और चीज़ कही थी कि मैं ये टेन स्क्वायर थीटा की जगह अभी तो डाला था मैंने, सेक्स स्क्वायर थीटा की जगह भी मैं आपको डाल के सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो वो मैं आपको अगले पार्ट में दिखाऊंगा, इस वीडियो इसी सॉल्यूशन का पार्ट टू बनाऊंगा, जब उसमें मैं सेक्स स्क्वायर थीटा की जगह डालूंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, तो थैंक यू। और इस वीडियो का पार्ट टू भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं सेक्स स्क्वायर थीटा की जगह टेन स्क्वायर थीटा की
टर्म्स में वो वैल्यू डाल के करके करूंगा, ठीक है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।